दोस्तों आज मैं सिखाऊंगी आपको मात्र एक ऐसा अभ्यास जिसको आप निरंतर अगर करते रहते हैं तो आप पूरी जिंदगी रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन अगर कोई रोग है भी तो उससे भी बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शरीर में जो 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं ना, उनकी शुद्धि होगी, साथ ही बुढ़ापा आपसे कोसों दूर भागेगा, यानी हमेशा आप जवान दिखने वाले हैं। इसके अलावा आपको मृत्यु का भय भी नहीं होगा। तो है क्या वो अभ्यास? ये अभ्यास का नाम है नाड़ी शुद्धि, या इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो को तसल्ली से देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस तरीके से करना है, अभ्यास करते हुए सांस लेने रोकने छोड़ने का रेशियो क्या होना चाहिए, कब करना है, कितना करना है, किस किस वक्त करना है, किस दिशा में बैठकर करना है, इतना सारा सब कुछ बताना है मुझे। अगर आप चैनल में नए आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाएगा। और अगर घंटी का निशान आप दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँगी वो आप मिस नहीं किया करेंगे, तो घंटी का निशान भी ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यास को करने के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ तो कि इस अभ्यास को करने से आपके शरीर की 72,000 से अधिक जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होंगी। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तो शरीर में प्राण का जो प्रवाह है वो अच्छी तरीके से होगा, जिससे कि मदद मिलेगी शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके की कोई गंदगी है उसकी साफ सफाई होगी। और जैसे जैसे गंदगी कम होती जाएगी शरीर में, जैसे जैसे शरीर साफ होता जाएगा तो रोग मुक्ति तो अपने आप होगी। इसके अलावा अगर इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं हठ योगा प्रदीपिका के अनुसार 3 महीने में आप अपने नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं अगर निरंतर इसका अभ्यास किया जाए। कुंडलिनी का जागरण करने में भी यह अभ्यास बहुत सहायक है। इसके अलावा जब रोग मुक्ति की बात करें तो किसी भी रोग का नाम ले लीजिए आप, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रात में नींद नहीं आती है, चेहरे में बहुत फुड़ियाँ फुंसी हो जाती है, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, खाना खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, एक जगह पर जमा होकर गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रम कॉन्स्टिपेशन है, या कि फिर आपको डायरिया की समस्या है, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, आंतों से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्याएं, आपके लंग्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे इस अभ्यास को करने से। मात्र इतना ही नहीं बल्कि आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक तरीके की समता आएगी और ये मानसिक तनाव को चिंता मुक्त करने में बहुत असरदार अभ्यास है। तो ये तो थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने बताई, और सारी जानकारियों को तो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती क्योंकि असंख्य लाभ हैं। अब जान लेते हैं सावधानियाँ क्या हैं। सावधानियाँ करते वक्त जब हम कुंभक लगाएंगे यानी ब्रेथ रिटेन करेंगे, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे, तो जिनको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या है या थकान है या सांस रोकने में दिक्कत आती है तो वो सांस बिना रोके इसका अभ्यास करें। बाकी इस अभ्यास के किसी भी तरीके के कोई भी प्रिकॉशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बस सांस रोकते वक्त इसका ध्यान रखें। अगर आप बिगनर हैं तो सुखासन में बैठ के अभ्यास कीजिए। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा सजेस्ट किया गया है कि इस आसन का अभ्यास आप पद्मासन लगा के किया करें, इस तरीके से ऐसे ऐसे। लेकिन अभी पद्मासन नहीं लगता है तो आराम से सुखासन में ही बैठ के इसका अभ्यास आप कर सकते हैं ऐसे। तो पद्मासन जब आप लगाते हैं तो आपकी एड़ी जो है वो आपकी नाभि के पास इस तरीके से आ गई और आपको एक ब्रॉड बेस मिल गया। पद्मासन लगाने से आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही इससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है ऐसे। पद्मासन लगाने के बाद आप अब मुद्रा देख लीजिए किस तरीके से लगाएंगे। अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखेंगे यानी लेफ्ट हाथ को घुटने पर रखेंगे और अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लेंगे और बाकी की 3 उंगलियां जो हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी ऐसे। और जो राइट हाथ है यानी दायां हाथ है उससे ऐसे मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाने के बाद
अपनी छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा लें, ऐसा, इस तरीके से ऐसे। और फिर उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, अंगूठे की मदद से ऐसे बंद कर लें। अब लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे गहरी, कैसे, फिर दोनों नासिका को बंद कर लेंगे ऐसा, सांस को रोक लेंगे कुंभक, और फिर राइट नासिका को खोल के राइट नासिका से सांस को छोड़ देंगे। फिर राइट नासिका से सांस लेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और फिर लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देंगे ऐसा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सांस लेने, रोकने और छोड़ने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना देर सांस लेने, रोकने और छोड़ने में कंफर्टेबल हैं। इस अभ्यास को करते वक्त आपको रेशियो का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो रेशियो होता है 1:4:2। अगर आप सांस को 3 काउंट तक ले रहे हैं, 3 सेकेंड, 1, 2, 3, तो 3 × 4 12 काउंट तक सांसों को रोकना है, और 3 × 2 यानी 6, यानी 6 काउंट तक सांसों को छोड़ना है। तो इस रेशियो का ध्यान रखते हुए, ये बिगनर के लिए है, तो आपने ऐसे मुद्रा लगा ली और 1:4:2 के रेशियो में 3 काउंट तक सांस ले रही हूँ, 1, 2, 3, सांस ले लिया, दोनों नाक को बंद कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर राइट नॉस्ट्रिल को खोला और सांस छोड़ दिया 6 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सांस ले लिया राइट से, 1, 2, 3, दोनों नाक को बंद कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब अपनी लेफ्ट को खोला और लेफ्ट से सांस छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया एक साइकिल। जो कंप्लीट बिगनर है ना, अभी इतना किसी का कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो इतना अभ्यास करना शुरू कर दें। जब काउंटिंग करें तो बोल के ना करें, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि सांस लेने का रेशियो कितना होना चाहिए। और कुछ दिन बाद जब आप ऐसे काउंटिंग करते करते अभ्यास करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, फिर आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना काउंटिंग के आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आप कुछ दिनों तक इस रेशियो को फॉलो कर लें और इतना फॉलो कर लें, तो 3 के बाद 4 पे जाएं, यानी 4 काउंट तक सांस लें, 4 काउंट तक 4 × 4, 16 काउंट तक सांस को रोकें, 4 × 2, 8 काउंट तक सांस को छोड़ दें। तो जब कुछ हफ्ते या महीने तक इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, 5 काउंट तक सांस लें, 5 × 4 यानी 20 काउंट तक सांस को रोकें, 5 × 2 यानी 10 काउंट तक सांस को छोड़ दें, फिर सांस लें 5 काउंट तक, 20 काउंट तक सांस रोकें और 10 काउंट तक सांस को छोड़ दें। तो ये आई एम श्योर कि इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि रेशियो तो 1:4:2 रहेगा, लेकिन सांस लेने, रोकने और छोड़ने का जो ड्यूरेशन है, आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब चलिए अभ्यास को और पक्का करने के लिए के अभ्यास करूँगी और आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अभी जहाँ पर भी बैठे हैं इसका अभ्यास मेरे साथ करें, तो रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं तो भी इसका अभ्यास कर लें। अपने लेफ्ट हाथ को चिन मुद्रा और राइट हाथ से इस तरीके से आपने विष्णु मुद्रा लगाई, और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोला, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया। पहले अभ्यास जब शुरू करें तो लेफ्ट नासिका से पूरी सांस लें, रोक लें सांसों को, राइट से सांस को छोड़ दें रेचक,
पूरक, राइट से सांस लें, कुंभक रोकें, रेचक लेफ्ट से सांस छोड़ें, एक साइकिल और, सांस लें लेफ्ट से, कुंभक रोकें, रेचक राइट से सांस छोड़ें, सांस लें राइट से, रोक लें सांसों को, और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें, और जब आप हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें तो आंखों को बंद करके कुछ देर बैठे रहिए। तुरंत ऐसा ना करें कि आंखों को खोलें और इधर उधर घूमने लगें। आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान को माथे पर लेके जाएं और एक चिंता मुक्त अवस्था की अनुभूति आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी बना के रखें। कम से कम 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठें। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखने वाली है कि इसमें प्रोग्रेस जो है बहुत धीरे धीरे होती है। पहले आप अपनी सांस लेना, रोकना और छोड़ना बिना किसी ऐसे बंद किए हुए करें, यानी आराम से बैठ जाएं, सांस लें, रोकें जितना देर रोक सकते हैं और फिर छोड़ दें। सांस लें पूरक, रोक लें कुंभक और फिर सांस को छोड़ दें रेचक। जब कुछ दिन इसका अभ्यास इस तरीके से कर लें, तब आप इस तरीके से रेशियो में अभ्यास करना शुरू करें। अब सवाल ये आता है कि इसका अभ्यास कितना करना है। इसका अभ्यास जो हमने अभी ये साइकिल किया ना, एक साइकिल में 2 बार ब्रेथ रिटेंशन हो रहा है, यानी 2 बार कुंभक हो रहा है, यानी 20 कुंभक, यानी 10 साइकिल तो कम से कम मिनिमम आपको करना है। और इसका अभ्यास अगर आप 4 टाइम कर लें, सुबह, दोपहर, शाम और रात में सोने से पहले, तो ये आपके नाड़ियों की शुद्धि करने में, कहा जाता है कि विद इन 3 मंथ एक योगी अगर इस रेशियो में अभ्यास करे तो उसकी 3 महीने में आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी और आपको योग से और प्राणायाम या योग के किसी भी अभ्यास से किए जाने वाले जो लाभ हैं वो अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे अभ्यास आपको बताएं कि कैसे नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, क्या रेशियो रहना चाहिए, क्या लाभ है, सावधानियां हैं, सारी चीज़ें। आप तो ये अभ्यास करके आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अगर आप अपने दोस्तों को भी भेजेंगे तो वो भी पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर दीजिए। जाने से पहले इस वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या कि फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस परिवार से आप जुड़ जाएं, इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं और इसी तरीके की वीडियोस, स्वास्थ्य लाभ देने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आप सभी से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोस के सजेशन डाल दिए हैं, इन वीडियोस को भी जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।